उन्हें माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार 5 मिनट का समय दिया गया है, आवश्यक रूप से आप मुझे सहयोग करेंगे प्लीज। सभापति महोदय मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मुझे बहुत मतलब कि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा लेकर मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, इसलिए आपका संरक्षण चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मांग संख्या 42 जल संसाधन इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग और मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण विभाग के बारे में बोलने के लिए अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, मेरा विधानसभा क्षेत्र आओर है और जालौर जिला पूरा जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ तक कि पाली के कुछ गांव, सिरोही के गांव, कुछ तहसीलें इस नदी के किनारे, करीब 300 किलोमीटर ये नदी चलती है। जब जवाई बांध नहीं बना हुआ था तो ये निर्बाध रूप से 300 किलोमीटर तक नदी चलती थी, जिससे उस क्षेत्र में जवाई बांध के नदी के किनारे किनारे क्षेत्र में फसलें लहराया करती थी, मोर पपैया बोला करते थे और वहाँ का जीवन उच्च स्तर का था। लेकिन कालांतर में 1952 के करीब जवाई बांध का निर्माण हुआ। जवाई बांध का निर्माण होने के बाद में पानी रुक सा गया, अकाल पड़ते गए, अकाल से अकाल होते गए, पानी नदी में आना बंद हो गया। नदी में क्या कैसे आएगा, जवाई बांध भरता ही नहीं था। और 70 वर्षों में मात्र 8 बार जवाई नदी आई है और वो भी उस टाइम आई है जब बाढ़ की स्थिति बनी है। जैसे लास्ट टाइम बिफोर जो आया, उससे पहले जब भी अतिवृष्टि हुई है तब उस नदी में पानी आया और हमारे क्षेत्र को उसमें भी कुछ न बर्बाद करके गया है। वहाँ के खेत खलियानों को बर्बाद किया, वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया, पशुपालन को भी कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाया। मैं आपका ध्यान आकर्षित इसलिए करना चाहता हूँ कि जवाई बांध बनने से हमें नुकसान तो खूब हुआ है, लेकिन उसके फायदा हमें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस जिले के पेयजल की योजना जवाई बांध से पाली के लिए बनी। पेयजल के लिए चलो बनी तो कुछ नहीं, पहले जवाई बांध का पानी जोधपुर के लिए सिर्फ पेयजल के लिए और बाकी का पानी जालौर जिले के लिए सिंचाई के लिए इसमें बना हुआ था प्रोजेक्ट में। लेकिन जालौर जिले में मात्र 22 गांव को जोड़ा, अब पूरे पाली जिले की जो पेयजल की योजना है जवाई बांध पर बनाई, उस पर सिरोही की भी पेयजल की योजना बना दी। और अब दुख का विषय तो ये है कि इस एक योजना अभी एक लागू की है, माननीय सभापति महोदय, इस योजना का जोधपुर एवं पाली शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु जवाई बांध से जोधपुर तक चरणबद्ध रूप से 3 वर्षों के 194 किलोमीटर लंबी सतही गर्स फीडर नहर का जीर्णोद्धार द्वारा कार्य 2280 करोड़ में करने का एक प्रावधान रखा है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, ये योजना 2280 करोड़ का व्यर्थ कह सकते हैं अपन, क्योंकि इस नहर का जवाई का पानी या तो अभी पाइपलाइन से पेयजल के लिए जा रहा है। इस नहर को अगर अपन वापिस जीर्णोद्धार करने की बात करते हैं और जोधपुर पानी लेके जाने की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर का पानी जो वहां पर सेम समस्या आ रही है, वहां पर तो पानी इतना पानी है कि वहां तो ऑलरेडी समस्या है। तो ये इस प्रकार की योजना बनाने से क्या फायदा, और जब अधीक्षण अभियंता से स्टेटमेंट मांगे तो उसने जो स्टेटमेंट दिए हैं, मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट एक अधिकारी को इस प्रकार के नहीं देने चाहिए कि जवाई बांध का पूरा भरने पर कई बार पानी व्यर्थ बह कर जाता है। नहर को फिर से जीवित कर डिग्गिया बनाने से उस पानी का उपयोग किया जा सकेगा। दूसरा लाभ यह है कि जवाई पुनर्भरण के लिए बनने वाले नए दो बांधों को ओवरफ्लो होकर जाने वाले पानी को भी नहर के माध्यम से लाया जाएगा। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट दिया है अधीक्षण अभियंता ने, मैं माननीय सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, नदी में जो पानी जा रहा है वो अधीक्षण अभियंता यह कह रहे हैं कि वो नदी में व्यर्थ पानी जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये इतना गंभीर विषय है, उनके क्षेत्र में पानी ले जाने के लिए तो वो सही जगह जा रहा है और मेरे क्षेत्र में जो पानी जा रहा है, जो जवाई बांध ओवरफ्लो होकर जाता है और उनको समस्या लगती है कि ये व्यर्थ पानी जा रहा है, उससे तो हमारा जीवन करीब वहां की 20 लाख
जनसंख्या जो जन रहता है उसके लिए फायदा होता है, और वो 50,000 लोगों के लिए नहर का पानी डालने के लिए वो कहते हैं कि वहाँ खेत खलियान वहाँ पर कुएं रिचार्ज होंगे, हमारे यहाँ नदी चलती है तो उनको लगता है कि ये पानी व्यर्थ जाएगा। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये जवाई का पानी जवाई नदी में आना चाहिए, दूसरी जगह गया तो हम कुछ भी करने के लिए इसके लिए तैयार है। जालौर जिला पूरा आपने देखा होगा, पिछले साल किसान भूख हड़ताल पर 25 दिन तक बैठे रहे थे, उस समय जवाई का पानी नहीं छोड़ा था उन लोगों ने, तो ऐसी योजना वो उनकी योजना है, और उसने अगर आपने ये लागू कर दी तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा सिरोही जिले के लिए और जालौर जिले के लिए अभिशाप साबित होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की योजना पर विचार करके वापिस बंद करें, और जवाई नदी का पानी और ये जल नीति ला के जिस प्रकार से जल नीति का मैं आपको कहना चाहूंगा कि नदी को पुनर्जीवित करने का, माननीय अध्यक्ष महोदय गृह मंत्री जी जब साइला आए थे विधानसभा चुनाव में, उन्होंने कहा था कि जवाई नदी मैं पुनर्जीवित करूंगा और पुनर्जीवित के लिए उसमें प्रावधान लाऊंगा। तो जो जवाई जो जल नीति होती है डेड स्टोरेज पानी रखना पड़ता है, पेयजल के लिए रखना पड़ता है, सिंचाई के लिए रखना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जवाई बांध का पानी भी जवाई नदी में छोड़ने का भी प्रावधान जल नीति में लाया जाए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से। मैं आपका